वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने अ से जुड़ी हुई कहानी पढ़ी थी, सुनी थी, जिसमें अनार, अनानास, अमरूद की जुड़ी हुई कहानी हम लोगों ने सुनी थी। अ से अजगर भी होता है। आज हम लोग अ लिखने का तरीका सीखेंगे। अ आप कैसे कैसे छोटे बच्चों से आप किस तरीके से लिखवा सकते हैं, मैं तीन विधियां बताऊंगी जिससे आप छोटे बच्चे से लिखवा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे एक सेंटर लिया है जिसको बालू से भरा हुआ है। अब मैं इस पे और लिखना बताती हूँ। बच्चे इस एक्टिविटी को करने में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। ये है सेंटर और मैंने लिखा अ। इस एक्टिविटी को दो से तीन बार दोहराएंगे और इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अ बच्चे भी मस्ती करेंगे। अ अ अब मैं अ लिखने के लिए आटा से भरा हुआ एक प्लेट का यूज करूंगी। आटा आपके घर में उपलब्ध है। इस क्रियाकलाप को फिर हम दोहराएंगे और छोटे बच्चे से तीन से चार बार करवाएंगे। इससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ से उंगलियों को मोड़ना है वो अच्छे से सीखेगा। फिर से देखेंगे। अ की आकृतियां उभर के आई हैं। से आपको लिखना बताऊंगी, इससे बच्चों का खेल भी होगा और अ का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आपके घर में अगर स्टाम्प पैड उपलब्ध हो तो आप स्टाम्प पैड का यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर कलर उपलब्ध हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने स्टाम्प पैड का यूज किया। ये एक तरह का एक्सरसाइज भी है, इससे बच्चों की उंगलियों में मजबूती आती है और कंसंट्रेशन बच्चों का बहुत ही अच्छे लेवल पे जाता है। यूं हमने आधा सर्कल बनाया, फिर इस तरीके से करते हुए या अ की आकृतियों में हमने थंब इम्प्रेशन के जरिए रंग भरना शुरू किया। ये एक तरह का एक्सरसाइज भी है जिससे बच्चों की उंगलियों में मजबूती आती है और बच्चों का कंसंट्रेशन भी सही होता है। ये देखिए अ बन करके तैयार है। इस एक्टिविटी को दो से तीन बार करवाएंगे। आप इस एक्टिविटी को कलर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। मैंने लिया यू कलर
उंगलियों में लिया, हाफ सी और ये फिर ऐसे मुड़ा और ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। आप ध्यान देंगे इस एक्टिविटी को 3 से 4 बार कराएंगे, इससे उंगलियों का भी एक्सरसाइज होता है और बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है। देखिए अब बनके हमारा तैयार है, फिर से देखेंगे अ से अजगर, अ से अमरूद, अ से अनानास, अ से अनार और अ हमने 3-4 माध्यम से सीखा, एक सेंट्रेटिव और एक घर में उपलब्ध हार्टवेयर से, एक मैंने थंब इम्प्रेशन जो स्टाम्प पैड का यूज किया है और एक पेंट से। उसके बाद अगर आप बच्चों को कॉपी पे लिखवाते हैं तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेके और लिखेंगे। ओके बाय बाय। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।